न्यूज। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 कादनबेड़ा के पास 29 मार्च को प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की हत्या के मुख्य शूटर को सरायकेला जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल भी बरामद किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल SDPO सुनील कुमार रजवार ने बताया कि हत्याकांड के बाद पुलिस ने मर्डर के मास्टरमाइंड मृतिका ज्योति अग्रवाल के पति रवि अग्रवाल समेत हत्याकांड में शामिल पंकज साहनी, रोहित दुबे, मुकेश मिश्रा को 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने कांड के अनुसंधान करते हुए मुख्य शूटर विशाल प्रसाद एवं प्रकाश उर्फ बोंडा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक सिल्वर रंग का पिस्टल, गोली का खोखा जब्त किया है। SDPO ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल मुख्य रूप से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अन्य बिंदु पर भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व मृतिका के पति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक अन्य गिरोह से भी हत्या को अंजाम देने के लिए संपर्क किया था। विशाल ने मृतिका के पति रवि अग्रवाल से 3 लाख रुपए पिस्टल खरीदने के लिए लिए थे। कुल 16 लाख में हत्या की सुपारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि शूटर विशाल प्रसाद कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। इससे पूर्व पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। 29 मार्च 2024 को वेव इंटरनेशनल और कादनबेड़ा के बीच में ज्योति अग्रवाल का मर्डर हुआ था, जिसमें से 4 अभियुक्त, जिसमें ज्योति अग्रवाल के पति रवि अग्रवाल भी थे, है ना, उस मर्डर में इन्वॉल्व उन लोगों को तो पहले रवि, पंकज, रोहित और मुकेश को ऑलरेडी गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। इस कांड में बचे और 2 अभियुक्त विशाल और प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से ये देसी पिस्टल, मोबाइल ये सब जब्त हुआ है। और इसमें पता चला कि विशाल के द्वारा उनकी पत्नी का मर्डर किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? ये गढ़कृष्णा जंगल है, मंझगांव, पश्चिमी सिंहभूम से। इस घटना में शामिल कोई और आरोपी है क्या सर? यही सब समाप्त। अभी तक मुख्य रूप से यही लोग शामिल थे, जिन लोगों को सभी लोगों को लगभग गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube और Facebook पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।